आज तारीख क्या है? पहली तारीख नवंबर की। ठीक 6 दिन बाद आप दिवाली मनाएंगे। प्रभु राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी जो है वो पूरा देश मनाएगा। लेकिन आप कितने भी दिए जला लें, सबसे बड़े राम भक्त होने की ट्रॉफी हमारे नेता ही ले जाएंगे। आप अखबार पढ़ते हैं अक्टूबर के महीने में, अपनी पसंद का जो भी अखबार आप घर पर मंगवाते हैं उसे खोल लीजिए। गारंटी के साथ मैं कह रही हूं आपको, वहां पर सबसे अहम मुद्दा प्रभु राम का रहा होगा। और मैं डेट बता देती हूं आपको, 2 अक्टूबर, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 18, 20, 21 की खोल दीजिए, 27, 29 या 30 अक्टूबर को कोई भी अखबार इस तारीख का निकाल लीजिए। इसमें राम पर राजनीति की खबर जरूर होगी और मुख्य खबर होगी। यानी आप आंकड़ा लगाइए, 31 में से 15 दिन मुख्य खबर प्रभु राम की, मंदिर की। और सिर्फ बीजेपी के नेता इस पर ये काम नहीं कर रहे थे, बयान नहीं दे रहे थे, राम नाम का जाप हर पार्टी का नेता कर रहा था। आज राम की खबर लेकर आए हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा। पहले 5 लाइनों में पूरी खबर जान लीजिए आप। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का संसद के शीतकालीन सत्र में राम मंदिर निर्माण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लाने का ऐलान। राकेश सिन्हा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कई विपक्षी नेताओं को अपना रुख साफ करने का चैलेंज दिया है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और संघ के बड़े नेता मनमोहन वैद्य ने जमीन अधिग्रहण कर मंदिर निर्माण की वकालत की है। राम मंदिर मुद्दे पर संत समाज की 3 से 4 नवंबर को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ी मीटिंग बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में विवादित जमीन के मालिकाना हक पर सुनवाई कब होगी ये जनवरी में तय होगा, तब तक मामला अटका हुआ है। जो लोग बीजेपी और आरएसएस को उलाहना देते रहते हैं कि राम मंदिर की तारीख बताएं, उनसे सीधा सवाल, क्या वो मेरे प्राइवेट मेंबर बिल का समर्थन करेंगे? समय आ गया है दूध का दूध पानी का पानी करने का। राकेश सिन्हा के इस ट्वीट से विरोधी बैकफुट पर है, क्योंकि राम मंदिर निर्माण पर बिल का समर्थन उनके लिए संभव नहीं और खुले में विरोध से फायदा बीजेपी को ही होगा, इसीलिए आज राहुल भी चुप रह गए। आपकी पार्टी और सारी विपक्ष की पार्टी कोशिश करिए कि राम मंदिर ना बने। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। आई नो इट इज डिफिकल्ट इन द टाइम्स ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर यू टू स्पीक ओपनली, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट मेनी ऑफ यू आर बिकमिंग वेरी ब्रेव। अयोध्या विवाद अचानक केंद्रीय मुद्दा बन गया है। संघ, संत समाज, बीजेपी के कुछ नेता खुलकर राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाने या जमीन अधिग्रहण करने की बात कर रहे हैं। अब केवल विषय वो जमीन को एक्वायर करके मंदिर निर्माण को देने की बात है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट अपनी लाज खुद रखे, अपनी इज्जत बचाए, अधिग्रहण करे, अध्यादेश लेके आए और मंदिर का निर्माण प्रारंभ करा दे। इस बार दिवाली तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बीजेपी जानती है कि अभी के हालात में करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं से जुड़े इस मसले पर डालने वाला रुख नुकसान पहुंचाएगा, लिहाजा अध्यादेश से लेकर बाकी विकल्पों पर विचार शुरू हो गया है। बीजेपी भी संत समाज की इस भावना के साथ है कि अध्यादेश लाना चाहिए। देखिए, ये हमारे सरकार में इस समय चर्चा का विषय है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अध्यादेश लाने से लेकर जमीन अधिग्रहण के लिए कानून बनाना आसान नहीं। ये जो कुछ भी है ये हमारे नेताओं की मेहरबानी है जो इसको टाले हैं। टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम होगा, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेंट नहीं कर रही है और इस पर खाली ये मौका दे रही है कि ये मीडिया में चीज चलती रहे। इतना जरूर है कि प्राइवेट मेंबर बिल माहौल बनाने में मदद करेगा और चर्चा राम मंदिर पर होती रहेगी। आप ये कहेंगे कि ये प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, हम बताते हैं आपको। लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी मेंबर प्राइवेट मेंबर बिल पेश कर सकता है, लेकिन आजादी के बाद से आप देखिए 14 में से 6 256 में पास हुए, अब तक सिर्फ 14 प्राइवेट मेंबर बिल ही पास हो पाए हैं और इन 14 बिल में से 6 सिर्फ साल 1956 में ही पास हुए थे। संसद से आखिरी प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो 1970 में पास हुआ था। प्राइवेट मेंबर बिल के लिए 1 महीने पहले ही सदस्य को नोटिस देना होता है,
राज्यसभा सेक्रेटरीट जो है वो बिल ड्राफ्ट करने में सदस्य की मदद करता है, इसलिए क्योंकि बहुत टेक्निकलिटीज होती है, तकनीकी वजह से वो बिल कहीं खारिज ना हो जाए, इसीलिए एक महीने पहले, और प्रोफेसर सिन्हा इसीलिए जिक्र अभी कर रहे हैं। लेकिन क्या प्राइवेट मेंबर बिल से राम मंदिर बन जाएगा? क्या ये बिल संसद में पास हो जाएगा? इसका पास होना तो मुश्किल लगता है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये परेशानी का सबब जरूर हो सकता है। राहुल गांधी भले ही इन दिनों शिव भक्त के रूप में मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, लेकिन राम मंदिर पर लाए प्राइवेट बिल का समर्थन आसान नहीं है। लेकिन एक सच्चाई आपको जाननी चाहिए, और सच ये है कि जो राम मंदिर आज बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, उसके निर्माण के लिए कई अहम कदम कांग्रेस सरकार में ही उठाए गए थे। देखिए, विवादित ढांचे को गिराने का श्रेय भले ही हिंदूवादी संगठन और बीजेपी के कुछ नेता ले लें, लेकिन सच ये है कि कांग्रेस राज में राम मंदिर आंदोलन को बढ़ाने वाले कई काम हुए। जैसे 1986 में राजीव गांधी की सरकार के वक्त विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी गई, ताले दोबारा खोले गए। हालांकि इसकी एक वजह शाहबानो प्रकरण के बाद राजीव सरकार पर मुस्लिम तुष्टिकरण का आरोप भी माना जाता है। वैसे 1986 में ही यूपी के तत्कालीन सीएम वीर बहादुर सिंह ने अयोध्या में 65 एकड़ जमीन अधिग्रहित की थी। विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद 1993 में परिसर की कुछ जमीन का अधिग्रहण किया गया, तो वो भी नरसिम्हा राव सरकार में। उस वक्त कांग्रेस ने अयोध्या एक्ट पेश किया। बिल पेश करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री शंकर राव चव्हाण ने कहा था, देश के लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे की भावना को बनाए रखना जरूरी है। नरसिम्हा राव सरकार ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि के साथ इसके चारों तरफ 60.70 एकड़ भूमि अधिग्रहित की थी। नरसिम्हा राव चाहते थे कि अयोध्या में एक राम मंदिर, एक मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम और अन्य सुविधाओं का निर्माण हो, लेकिन बीजेपी ने उस वक्त इस अयोध्या एक्ट को पक्षपातपूर्ण और तुच्छ बताया था। 1994 में अयोध्या एक्ट जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो कोर्ट ने कहा कि पहले टाइटल सूट का निपटारा हो। कोर्ट ने कहा कि जब तक इसका निपटारा किसी कोर्ट में नहीं हो जाता, तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त। मलक का मतलब देवता होता है और सरिश्त का मतलब होता है ऊंचे आसन पर। तो इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिसके दम से है दुनिया में नाम ओ हिंद, है राम के वजूद पे हिंदोस्ता को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो इस खबर का मास्टर स्ट्रोक बिल्कुल साफ, राम को राजनीति के लिए इस्तेमाल करना भी प्रभु राम का अपमान है, ये समझ लीजिए और ये जान लीजिए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।